हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के एक नए वीडियो में फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो कि हमारे ज़िंदगी में वो घटती रहती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सवाल रखा है कि देखो, 15,000 रुपया है, ठीक है, उसको क्या करना, हमें 8 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। ये हम सीखेंगे कि कैसे बांटते हैं। जितना भी रुपया हो, उसको 8 लोग भी हो सकते हैं, 2 लोग भी, 10 लोग, 12 लोग भी हो सकते हैं, जितना भी आपके ज़रूरत पड़े उतना भी लोग हो सकते हैं, कि उसको कैसे बांटते हैं बराबर बराबर, उसको सीखेंगे। और उसके बाद एक सवाल और है कि 1 क्विंटल अगर चावल है, ठीक है, उसको हमें 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो इसको कैसे बांटेंगे। इन दोनों सवाल को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अजीज, मेरा चैनल अजी मटी जी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें क्या करना है, पहले हम पहला वाला देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 15,000 रुपया को 8 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। देखो, 15,000 है, इसको मैं 8 लोगों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे। तो जो बांटने का जो तरीका होता है, जैसे कि ये 15,000 है, इसको मैं यहाँ पर आके 15,000 लिख देंगे, ठीक है, 8 लोगों में बांटना है। तो बांटने के लिए क्या करना होता है, हमें सिंपली से जय लोगों को बांटना है, जितना रुपया में उसका भाग दिया जाता है। यहाँ 15,000 रुपया को 8 लोगों में बांटना है, तो 15,000 बांट के भाग देंगे। अब भाग देख रहे थे कैसे होता है, देखो ये 15 है, ये 8 है, इसको इसमें भाग देना है। तो देखो, एक में जाएगा नहीं तो 2 अंक लेंगे, ठीक है। तो ये संख्या बन गया, 15 हुआ, 15 में से 8 चला जाएगा तो कितना होगा, 8 एकम 8, 2 बार नहीं ले जा सकते, कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ 0 उतारेंगे, ये वाला 0 हो गया, 70 है। अब ऐसा 8 8 का पहाड़ा बनेगा, 70 ज़्यादा ना हो, 8 8 8 64, 8 9 72, 8 बार में 64 हुआ, ये हमारा घटा, कितना बचा, 6 बचा। फिर एक 0 बढ़ा उतारेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो कितना होगा, 8 7 56, भाग कर लीजिएगा कैसे होता है देख लीजिए, ये कितना हुआ, 40 4 हुआ। अब एक 0 और यहाँ पर उतरेगा, कितना होगा, 8 5 40, कितना हुआ, आपने देखा कि 1875 रुपया क्या हुआ, 1875 रुपया क्या हुआ, क्या है, ये 1 लोग का है, 1 लोग का 1875 रुपया पड़ेगा। अब 8 लोग है, उसमें गुणा कर देंगे, आपका 15,000 रुपये आ जाएगा, यानी कि हर लोग को 1875 रुपये, यानी 1875 रुपया पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ये दूसरा वाला सवाल, ये कैसे होगा। यहाँ पे देखो, मामला फर्स्ट रहा है कि दिया है कि 1 क्विंटल चावल है, इसको 4 लोगों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे। तो हम लोग अगर जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए कि क्या होता है, 1 क्विंटल बराबर, 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, 100 किलो होता है, कितना होता है, 100 किलो होता है। अब सिंपल हो गया, अब तो भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग देना होगा, क्या करना है, देखो ये 100 है, 100 में 4 लोगों में बांटना है, तो 4 का भाग दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, 4 का भाग दे लेते हैं, 4 2 के 8, कितना बचेगा, 2 बचेगा, एक 0 उतार देंगे, 4 5 20, घटाएंगे, ख़त्म हो गया, कितना हुआ, 25, यानी कि 1 लोग को कितना पड़ेगा, 25 किलो, यानी कि 1 लोग को 25 किलो चावल पड़ेगा, कितना हुआ, 25 किलो हर लोग को पड़ेगा। अगर ये 25 किलो है, ठीक है, 1 लोग को 25 किलो पड़ा, तो 4 लोग को कितना पड़ेगा, यानी कि 100 लोग को मिला के गुणा कर देंगे, इसी में 25 गुणे 4 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 किलो, यानी कि ये आपका 4 लोग का निकल गया। 4 लोगों में मैं कितना था, 100 किलो था, ठीक है, लेकिन 1 किलो में क्या हुआ, 25 किलो हुआ। इस तरीके से ऐसा सवाल निकलता है। जब किसी सामान भी हो या फिर रुपया हो, किसी सामान को अगर बांटना है बराबर हिस्सों में, तो इसको कैसे बांटते हैं, क्या करना है, सिंपल से हमें सिर्फ भाग दे देना है। उसमें भाग दे देंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या का, जिन लोगों में बांटना है उसका भाग दे देंगे उस सामान में, तो आपका जो है निकल जाएगा। इस तरीके से ऐसा सवाल होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।